हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको। ए लाइन पी कंटेंस द लाइन दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन पी। कौन सा पॉइंट पी जो है इस प्लेन को, ठीक है, जो परपेंडिकुलर हो और इस दोनों लाइन को कंटेंस भी करे। तो इसका इक्वेशन, इसका पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम प्लेन ले लेते हैं, प्लेन पी कंटेंस द लाइन, वैसा प्लेन जो इस दोनों लाइन को कंटेंस करेगा, तो क्या होगा, एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड प्लस वन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ कितना, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस सिक्स। ये प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है, जो इस दोनों लाइन को क्या कर रहा है, कंटेंस कर रहा है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू माइनस लेमडा ऑफ वाई प्लस थ्री माइनस लेमडा ऑफ जेड प्लस वन माइनस सिक्स लेमडा इक्वल टू जीरो। तो इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो जो हो गया वन प्लस लेमडा, टू माइनस लेमडा एंड थ्री माइनस लेमडा, और इस प्लेन के साथ वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये है वन, वन इज द परपेंडिकुलर प्लेन कौन किस से, माइनस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एट इक्वल टू जीरो। तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो। दैट इम्प्लाइज क्या हो गया, वन प्लस लेमडा इंटू माइनस टू, फिर प्लस वन इंटू टू माइनस लेमडा प्लस वन थ्री माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिला आपको, माइनस टू लेमडा प्लस टू माइनस लेमडा, यानी लेमडा का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है, फोर लेमडा इक्वल टू थ्री, तो लेमडा इक्वल टू थ्री बाई फोर। अब जैसे लेमडा इक्वल टू थ्री बाई फोर आ गया, तो अब आपको क्या मिल जाएगा, प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ लेमडा इक्वल टू थ्री बाई फोर रख दीजिए, तो ये क्या मिला आपको, वन प्लस थ्री बाई फोर, दैट मीन्स सेवन वाई फोर एक्स प्लस टू माइनस लेमडा इंटू वाई, तो टू माइनस थ्री बाई फोर, तो एट माइनस थ्री यानी फाइव बाई फोर प्लस थ्री माइनस लेमडा, तो थ्री माइनस नाइन, थ्री माइनस थ्री बाई फोर कर देंगे, तो ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन बाई फोर ऑफ जेड, और फिर प्लस वन माइनस सिक्स लेमडा, तो वन माइनस सिक्स इंटू थ्री बाई फोर, तो फोर माइनस एटीन माइनस फोर्टीन बाई फोर इक्वल टू जीरो। यानी इसका मीनिंग है, आपका जो प्लेन निकला वो मिला सेवन एक्स प्लस फाइव वाई प्लस नाइन जेड माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो, ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वही पॉइंट इस प्लेन पे होगा। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है माइनस वन वन टू, तो माइनस वन, तो माइनस सेवन प्लस फाइव, और फिर प्लस एटीन, तो एटीन प्लस फाइव ट्वेंटी थ्री, और इधर हो गया सेवन और फोर्टीन ट्वेंटी वन, तो ये जीरो नहीं कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं जीरो वन वन, तो ये जीरो, यहाँ वन रखेंगे तो फाइव प्लस नाइन फोर्टीन, फोर्टीन माइनस फोर्टीन जीरो, यानी जीरो वन और वन लाइज ऑन दिस प्लेन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।